सभी जानते हैं 25 मार्च 2021 से एसएससी जीडी 2021 के 40,000 से अधिक पदों की भर्ती आ रही है, उसके फॉर्म भरने शुरू होने हैं। बहुत से बच्चों का सपना होता है, यह पहली सीढ़ी होती है एसएससी जीडी। अगर आप वर्दी की नौकरी में जाना चाहते हैं, पहली सीढ़ी होती है जब आप यूनिफॉर्म जॉब के लिए तैयारी करते हैं। लेकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक बच्चा इस एग्जाम के लिए अपने जी और जान दोनों को हथेली पर रखकर तैयारी करता है। और अगर तैयारी कराने वाले बेहतर हो जाएं, जबरदस्त हो जाएं, तो लक्ष्य को पाना इतना आसान होता है सोच नहीं सकते। आप सभी जानते हैं, जितने लोग पुराने जिन्होंने पहले एसएससी जीडी, आपका कोई मित्र 2018 की भर्ती में लगा हो तो उससे कभी पूछना, आपको एक बार एग्जामपुर के बारे में जरूर बताएगा, वो जरूर कहेगा कि हां तू यहां से पढ़ाई कर। 2018 में पहली भर्ती में भी तैयारी कराई थी, अच्छे सिलेक्शन दिए थे, इस भर्ती में भी एग्जामपुर तुम्हारे साथ है, इस बार भी उस इतिहास को दोहराया नहीं जाएगा, उससे बेहतर इतिहास लिखने की कोशिश की जाएगी, बेहतर इतिहास लिखा जाएगा, बशर्ते आप भी उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ आज के दिन से अंतिम दिन तक 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक जब तक पेपर नहीं हो जाता, अगर वैसे ही टिके रहे जैसे हम लोग टिके रहे तो आप लोग निकल जाओगे, आप लोगों को एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सबसे पहले आपको टीम बता रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 टीचर दे रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, हर एक सब्जेक्ट के 2 टीचर, एक का समझ में ना आए तो दूसरे से करो तैयारी, दूसरे का समझ में ना आए तो पहले से करो, 2 अलग अलग टीचर, 2 अलग अलग टेक्निक, किसी से तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। इससे यह भी होगा कि आपको अगर बीच में कुछ ऐसा इश्यू आता है, कोई टीचर अगर क्लास लेना रोक देते हैं, बीमार हो जाते हैं या किसी दूसरे चैनल आदि पे चले जाते हैं, तो भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि दूसरे टीचर उसी जोश और ऊर्जा से आपको लेकर चल रहे होंगे। पहला सरप्राइज ये रहा। दूसरा, अभी जब तक आपका फॉर्म भरने शुरू करने हैं, आपको टॉपिक वाइज लेकर चला जा रहा है, आपको लेवल पे लाया जा रहा है, मैथ में एससीएफ एलसीएम से लेकर शुरुआत करेंगे और आपको लेवल देंगे, तथा ऐसे ही रीजनिंग में, ऐसे आपके हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी आप चुनोगे, और जीके के एक एक सब्जेक्ट को, फिर से मैं बता दे रहा हूं, इसमें जीके आपको हाई लेवल का तैयार नहीं करना, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, ना पॉलिटी, आपको बड़े लेवल की तैयार नहीं करनी, आपको अपने लेवल की एसएससी जीडी लेवल की तैयारी करनी है, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना है। समझ रहे मेरी बात? जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़े तो आपको दुनिया भर की राम कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है कि भाई संसद मेरी पार्लियामेंट, इसमें राज्यसभा आती है, इसमें लोकसभा आती है, इसमें मेरे राष्ट्रपति जी आते हैं, इन तीनों से मिलकर मेरी संसद बनी है, संसद से संबंधित अनुच्छेद इन दोनों से, फिर इनके बारे में कितनी उम्र क्या क्या, और इसी को आपको 10 बार लिखकर देखना है, इसी फ्लो चार्ट को आपको 10 बार। इसी तरह अगर आप ज्योग्राफी करोगे तो ज्योग्राफी में आपको ये नहीं हिमालय पर्वत कैसे बना, वो जैसे बना हो, जिनको पढ़ना है पढ़े, एसएससी जीडी वाले को हिमालय पर्वत नहीं बनाना, उसे तो पढ़ना है कि भारत कितने अक्षांशों के बीच में है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितना क्षेत्रफल है, और उन्हीं फैक्ट को आपको कम से कम 10-10 बार लिखकर देखना है, कितनी बार, 10-10 बार लिखकर देखना है। इसी तरह करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके की आपकी अलग से भी क्लास होंगी, फिर से सुन लीजिए, स्टैटिक जीके की आपकी बिल्कुल अलग से भी क्लास होंगी, एकदम बिल्कुल अलग से, और करंट अफेयर के तो साथ साथ, जैसे करंट अफेयर का मेरे साथ रोज सुबह 6 बजे से 7:30 तक और रोज रात 10 बजे उसका रिवीजन मारा और दिन में कम से कम 2 बार उसको लिखकर देखा। हमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूं, मैं आपको पॉलिटी में टीचर से साफ बोला हुआ हूं, आपको एक क्लास में सिर्फ एक टॉपिक कराएंगे लेकिन उसी टॉपिक को आपको 3 बार लिख के दिखाएंगे, आपको 3-3 बार लिखकर चेक करना है, क्लास में ही जीके याद कराऊंगा, घर से तो बस हल्की सरसरी नजर मारनी पड़ेगी,
घर पे जो प्रैक्टिस करनी है वो मैथ और रीजनिंग की और करंट अफेयर पर आधारित जो चीजें होती हैं उनको बार 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 लिखकर देखने की कोशिश होगी। अगर ज्योग्राफी हो रही है तो वही लिमिटेड, उसी को तुम्हें बार 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 बोर्ड पर लिखकर दिखाएंगे, उसी को तुम्हें बार 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 अपनी कॉपी में लिखकर देखना होगा। अगर तुम इस बात पर रेडी राजी होते हो, इस बात पर तुम रेडी होते हो तो मैं तुम्हें टीम बताऊं, रेडी नहीं होते तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कुछ कर गुजरने के लिए तैयार करना चाहता हूं, ना कि जिस तरीके से तुम आज तक पढ़ते आए वैसे। अगर तुम हां कहते हो यस लिखकर कि हां भैया हम तैयार हैं, हमें तुम अपने तरीके से, तो मैं तुम्हारे रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हूं। मैं 100/100 नंबर के लिए जिम्मेदार हूं, 90 की गारंटी नहीं कह रहा, मैं 100/100 की कह रहा हूं। लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे नक्शे कदम बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर तुम यस लिखकर कहते हो हम चलेंगे तो मैं तुम्हें अपनी चीजें बताऊं, और तुम कहते हो नहीं चलेंगे तो तुम अपने घर हो, मैं अपने घर हूं, या कोई किसी के लिए नहीं, कोई किसी का नंबर आए ना आए किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां एक छोटी सी भावना तुमसे जुड़ी हुई है, बस उसी मतलब से खड़ा हूं कि अगर तुम यस लिखकर सब लोग बताते हो तो मैं फिर तुम्हें टीचर्स के बारे में बताना शुरू करूं, और फिर क्लास जो तुम्हारी होंगी वो 10 मार्च से होंगी। कब से होंगी? 10 नहीं, 9 मार्च से, मतलब कल का दिन छोड़ के मंगलवार से क्लास शुरू होंगी, परसों से। टाइम टेबल भी फिर मैं तुम्हें सारा का सारा बता रहा हूं। सब लोग तैयार हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के लिए, जिसको आप गणित बोलते हो। मैथ्स या गणित के लिए आपके पास दो टीचर्स होंगे, एक होंगे अपने विकास सर, जिनकी क्लास आप रेगुलर ले रहे हैं, विकास सिंह सर, और दूसरे होंगे रविंद्र बड़ाला सर। आपको एक नए टीचर दे रहा हूं मैथ के, एक बार क्लास लेना और फिर मुझे बताना, फिर मुझे आप बताना कि किस तरीके से चीजें आपकी चेंज हुई है। बड़ाला सर फोटो आदि में कल आपको दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा। तीसरे हो जाते दो टीचर, हो गए दो, समझे मैथ के लिए। रीजनिंग के लिए आ जाते हैं, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में तो आप चाहे तो मैं दो से ज्यादा भी दे सकता हूं। रीजनिंग में एक हो जाएंगे अपने पुलकित सर, एक हो जाएंगे अपने बिल्कुल अजमाए हुए, जिनको 2018 में भी अजमाया हुआ है एसएससी जीडी में, और प्रीति मैम। अभी आप प्रीति मैम को कंप्यूटर में जानते हैं, लेकिन अब जब आप इनके रीजनिंग पढ़ाने को देखोगे तो कायल हो जाओगे, कायल एकदम कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और साथ में अपने विनय तिवारी सर तो इसमें ऑलरेडी है ही हैं, ठीक है भाई। तो रीजनिंग में तो मैं आपको पूरा का पूरा खान दे रहा हूं, जिसको आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, जिनसे बेहतरीन पूरे 25/25 की एक एक नंबर डिजिट भी इधर से उधर हो जाए कुछ क्वेश्चन की तो आप बता देना। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अपने इंग्लिश पर, जो लोग इंग्लिश लेना चाहते हैं, अंग्रेजी लेना चाहते हैं, तो अंग्रेजी के लिए मेरे पास एक तो संजीव सर है, संजीव राठौर सर की आप क्लास ले सकते हैं आप लगातार, और दूसरे में आपको दे रहा हूं एमी सर। जो लोग यूपी ट्रेसपैट की तैयारी कर रही है वो जान रहे होंगे, रोज रात को 9 बजे ले रहे हैं एमी सर एकदम जीरो से। जो लोग इंग्लिश चुनेंगे सीबीएसई बोर्ड के, या जो बच्चे हिंदी लेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इसमें से एक ऑप्शनल होती है, एक आपका मन है आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हो या 25 क्वेश्चन हिंदी के। अगर आप हिंदी लोगे तो हिंदी में मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, एक भी क्वेश्चन तुम इधर से उधर भटका दो तो मुझे बता देना, रोज रात को 8 बजे। ये क्लास आपके लिए काफी है, उसके अलावा कुछ नहीं विवेक सर, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका जाता है जीके, तो पॉलिटी जिसे हम लोग संविधान कहते हैं, संविधान में आपके पास दो टीचर होंगे एसएससी जीडी में, दो टीचर, दोनों का भी मैं नाम ले लिख रहा हूं, होंगे मेरे। संविधान भी इसी तरह ज्योग्राफी के जिसे आप भूगोल कहते हो, इसी तरह अपना तीसरा जाता है बच्चा अपना इसमें सब्जेक्ट इतिहास। इतिहास के तो कोशिश होगी दो देने की, नहीं तो एक ही चल जाएंगे, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक एक शब्द हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसमें आ जाते अपने केमिस्ट्री में तो अपनी शगुन मैम,
रसायन विज्ञान आपको बहुत लिमिटेड करना है, बहुत ज्यादा लिमिटेड, मतलब एकदम कुछ ही केमिस्ट्री की चीजें करनी है, बार बार उन्हीं का रिवीजन मारना है। आपको रेलवे वाली या एसएससी वाली केमिस्ट्री नहीं करनी, आपके तो कुछ ही चुनिंदा टॉपिक है कुछ, चलिए उसके बाद में बायोलॉजी और फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स ये अपने हो जाता है इसके, इसी तरह के हो गए सर, धुआं धुआं इधर करेंगे बायोलॉजी की। काजल मैम, राधिका मैम दोनों ही जिनसे आप पढ़ना चाहें। उसके बाद में आ जाता है करंट और स्टैटिक जीके, तो करंट अफेयर में लूंगा, करंट अफेयर मेरे हो गए सुबह रोज सुबह 6 बजे, सुबह से ही मैं ले रहा हूं, चाहे ये कल से ही आप क्यों ले सकते हो, 8 मार्च सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे ठीक है भाई। उसके बाद में आपका आ जाता है, यहां से हम लोग हटे, और वो करंट अफेयर डीपली नहीं है, बस ये कि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं। स्टैटिक जीके के लिए अपने पास अपने सोनम मैम हो जाएंगी, सोनम मैम ने 2018 में बहुत जबरदस्त इसकी तैयारी कराई है, सोनम मैम, इसमें रवि सर को भी मैं आपको दूंगा और पीयूष सर को भी, कि मतलब कम से कम जो स्टैटिक जीके होता है उसके 200 टॉपिक हैं, कितने टॉपिक है 200 टॉपिक, तो 200 टॉपिक 3 लोग आपको कराएंगे स्टैटिक जीके, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर भटक जाए, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर घट जाए तो आप मुझे बता देना। 3-4 चीजें और बता रहा हूं, 5 चीजें कि रोज आप क्लास में आओगे, रोज क्लास लोगे, एकदम समय से लोगे, अगर 8 बजे है तो 8 बजे से क्लास लोगे, एकदम समय पर नोट्स बनाओगे, नोट्स में मैं आपसे राम कहानी नहीं बनवाऊंगा, नोट्स में मैं आपको सिर्फ फ्लो चार्ट, जीके का जितना भी है वो सब आपको फ्लो चार्ट में, जैसे मान लेता हूं मैं केरल का, मैं केरल के जीआई टैग आपको पढ़ा रहा हूं, तो केरल के जीआई टैग में आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगा, या गोवा के पढ़ा रहा हूं तो फ्लो चार्ट में, कुछ भी आपको ट्रिक के माध्यम से, कुछ भी आपको राम कहानी के रूप में नहीं लिखना कि पैराग्राफ पैराग्राफ भर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, नोट्स बनाओगे। चौथी बात, 4 महीने अगर क्लास चलेंगी तो रोज एक भी क्लास नहीं छोड़ोगे, एक भी क्लास नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे। और 5वीं चीज आ जाती है कि आप लोग बच्चा डेली रिवाइज करोगे। मैं रिवीजन का आप पे जोर वैसे नहीं दूंगा, मैं आपको कराऊंगा ही ऐसे कि रिवीजन करने में आपको मजा आए, मैं आपको कराऊंगा ही ऐसे कि रिवीजन करने में आपको आनंद आए। सारी हाथ से पढ़ाओगी, एक बार हम लोग हाथ से लिखेंगे, एक बार फिर आप लोग हाथ से लिखोगे, फिर आप लोग अपने हाथ से लिखोगे अपनी कॉपी में, तो जब 2-2, 3-3 बार हम लोग लिखेंगे तब जाके आपको दिखेगा कि हर चीजें कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में बैठ रही हैं। क्लास में ही याद करवाएंगे, क्लास के बाद में तो सरसरी सी निगाह देखनी पड़ेगी, उसके अलावा नहीं। ये 5 पॉइंट आपको अपनाने होंगे, आप देख रहे इस बार एसएससी जीडी का रिजल्ट, और ये क्लास है ये आपकी 9 मार्च से शुरू होंगी, 9 मार्च 2021 से, बाकी कल 8 मार्च से जो शुरू हो गई है, कल 8 मार्च से वो रोज सुबह 6 बजे, बाकी एसएससी जीडी की अभी भी चल रही है, लेकिन कल एक बार टाइम टेबल लेकर आऊंगा मैं, और टाइम टेबल के बाद में पूरा सिस्टम ही बदल देंगे हम लोग। रोज सुबह 6 बजे ये करंट प्लस स्टैटिक जीके आपसे नहीं छूटनी चाहिए, ये बिल्कुल आप समझ लो, रोज रात 8 बजे हिंदी, रात को 8 बजे हिंदी और सुबह 6 बजे करंट, ये बस आप लेना शुरू करो, और 9 मार्च से आपकी सारी क्लास यही जहां आप लोग देख रहे हो इसी एग्जामपुर चैनल पर आपको ये सारी की सारी मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लास। और इसका जो टाइम टेबल है वो कल मैं 8 मार्च को निकालूंगा शाम 6 बजे, समझ रहे हैं मेरी बात, शाम 6 बजे 8 मार्च को आपका टाइम टेबल कि कौन टीचर कब पढ़ा रहे हैं। तो मैंने ग्रुप बनाया है टीचर्स का, और वो बच्ची जिसके पास 1 रुपया नहीं है, वो लड़का, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे तुम भरोसा तो करो, और तुम 25 तारीख तक जब तक फॉर्म आए, 9 तारीख से 25 तारीख तक लगातार क्लास ले लो, अगर तुम सबसे आगे अपने आप को ना पाओ
तो मुझे आके बता देना कि भैया तुमने क्या वादा किया था। एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी दशरथ मां जी के जैसी। अब कहोगे कल टाइम टेबल क्यों ला रहे हो, भी क्यों नहीं दे रहे? तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस किस को क्लास चाहिए और किस किस में वो एकलव्य जैसी लगन है और किन परिस्थितियों को बदलने के लिए तुम तैयारी करना चाहते हो। अगर तुम्हारी कमेंट में शिद्दत नजर आई तो मैं ये मेहनत लगाऊंगा, जान लगाऊंगा तुम्हारे पीछे अपना सब कुछ। ये क्लास आसान नहीं होती बच्चा, इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, 50 लोगों को रोक के रखना पड़ता है, टीचरों को, एडिटर को, उनके साथ 10 लोगों को, कि ये क्लास तुम लोगों तक पहुंच पाए। तो मैं खुद को क्यों ओखली में सर दूं अगर तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम लोग मेहनत करना चाहोगे तो मेहनत करूंगा, करवाऊंगा, तुम नहीं चाहोगे मैं हरगिज नहीं करवाऊंगा। तो तैयार हो जाइए, अब सिर्फ कहीं कहीं बातें नहीं होंगी, कही गई बातें होंगी जो हर एग्जाम में हमने किया है, एसएससी जीडी में, उन सब एग्जाम से बेहतर करके दिखाएंगे, बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। कल शाम 8 मार्च, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे टाइम टेबल देखना मत भूलना। और ये करंट अफेयर की कंसे लेनी शुरू कीजिए और 9 मार्च से आपकी सारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।